क्लास नाइन्थ आपका क्वेश्चन था, हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फेनीरोगैम्स। टेरिडोफाइट्स जो हैं वो फेनीरोगैम्स से किस तरह से डिफरेंट हैं। सो इसमें राइट आंसर है टेरिडोफाइट्स का कि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है टेरिडोफाइट्स में। आपने फर्न देखी है, फर्न देखिए जो ऑफिस के बाहर जो प्लांट्स होते हैं, कोई स्कूल्स के बाहर होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स होते हैं। फर्न मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो दिखाई हुई है, तो उसमें आप देखते हो, वीडियोस में देखना आप, पहले डिफरेंसेस को करने से पहले पहले वाली वीडियोस जो हैं उन सबको पढ़ना, अच्छे से देखना उनको। तो टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स जो हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, धरती के ऊपर आप जितने भी पौधे देखते हैं वो पौधे जो हैं वो पहले वो जो पौधे हैं या तो वो बिल्कुल लॉन्गेस्ट प्लांट होते हैं, ऊपर की तरफ को ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ को ग्रो करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जब वो गर्थ में ग्रो करेंगे, डायामीटर में ग्रो करेंगे, जब वो जो है वो डायामीटर में ग्रो करेंगे, ठीक है, जैसे एक प्लांट है वो पहले इतने साइज का है, ठीक है, दूसरी बार जब वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यानी कि जब ग्रोथ जो है वो डायामीटर में इंक्रीज करे प्लांट के, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ फर्न के केसेस में एब्सेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो फर्न के केस में एब्सेंट होती है, बट फेनीरोगैम्स में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट होती है। सीड्स आर नॉट प्रेजेंट फेनी टेरिडोफाइट्स में, सीड्स जो हैं वो नहीं होते हैं, इसमें क्या होती हैं, स्पोर्स होती हैं। सो फेनीरोगैम्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फेनीरोगैम्स आ जाते हैं मैंगो, मस्टर्ड, हमारा मैंगो प्लांट जो है वो फेनीरोगैम्स है। मैंगो प्लांट का जो ट्रंक है, जो इसका मेन स्टेम होता है मैंगो प्लांट का, वो काफ़ी बड़ा होता है, स्टेम जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, ऊपर जो है वो कवरेज होता है फॉलिएज का। तो इसलिए डिफरेंसेस समझ में आए होंगे आपको कि फेनीरोगैम्स में और टेरिडोफाइट्स में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस में आप देखिए, टेरिडोफाइट्स में मार्सीलिया का एग्जाम्पल है, हॉर्स टेल का एग्जाम्पल है, बहुत सारी फर्न्स हैं, फर्न आपने देखी है। देन उसके बाद सेकेंड डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। नेक्ड सीड्स आर प्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड्स होते हैं। सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट्स, सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स के इनसाइड इनक्लोज होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में देखा ना अपने स्कूल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइड में जो है वो चील के पेड़ लगे होते हैं, तो चील के पेड़ जो है वो जिम्नोस्पर्म्स हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर आपकी वीडियो आपके लिए वीडियोस बनाए हैं, वो आपने जो है वो चेक कर लेने हैं डिफरेंसेस पढ़ने से पहले। सो सीधा मैं पॉइंट्स के ऊपर आऊँगी। नेक्ड सीड्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, दूसरे में नेक्ड सीड्स जो हैं वो नेक्ड नहीं होते हैं, सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं। देन जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो कोन्स होती हैं, आप देखते हो चिलाकड़ू कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कोन्स को, ठीक है। देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फ्लावर्स, हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने भी फूल दिखाई देते हैं धरती के ऊपर वो सारे के सारे पौधे जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, ओनली ट्रैकीड्स आर प्रेजेंट एंड नो वेसल्स। जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकीड्स होते हैं, जैसे कि हमारे जाइलम के चार सेल्स होते हैं तो उसमें से ट्रैकीड्स भी होते हैं और वेसल्स भी होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। तो ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं बट वेसल्स इसमें नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। देन एंजियो में क्या होता है, वेसल्स आर प्रेजेंट। देन इसमें आपके पास एग्जाम्पल्स हैं साइकैस एंड पाइनस का। देन दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म्स में, बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जितने भी पौधों के आपको नाम पता है जिनके फ्लावर्स हैं, मोनोकॉट्स हैं, डाइकॉट्स। देन उसके बाद है नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन द एनिलिड एनिमल्स एंड द आर्थ्रोपोड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। एनिलिड्स जो है वो आपने अर्थवॉर्म देखा है, अर्थवॉर्म के ऊपर जितने भी करेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो सारे लिखने इधर। देन उसके बाद आर्थ्रोपोड्स में आपने बटरफ्लाइज देखी हैं, आपने कॉकरोच देखा है, उनके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इधर लिखने हैं। सो एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड का डिफरेंस क्या है। एनिलिड्स में क्या होता है कि बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, इस तरह से बॉडी होती है, ऊपर सेगमेंट्स बने होते हैं अर्थवॉर्म में, तो इसमें एनिलिड्स में बॉडी सेगमेंटेड होती है। बट आपने अर्थवॉर्म आपने दूसरी तरफ आर्थ्रोपोड में कॉकरोच देखा है, कॉकरोच का फोरहेड जो है उसका प्रोथोरेक्स अलग होता है, देन उसके बाद नेक्स्ट अगला पोर्शन अलग होता है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन अलग होता है, और इधर से उसके जो हैं वो प्रोलेग्स, हाइंड लेग्स इस तरह से होते हैं। तो एनिलिड्स में सेगमेंटेशन होती है, एनिलिड्स में क्या होता है,
सेगमेंटेशन होती है, बट आर्थ्रोपोड्स में जो है ज्वाइंटेड जो है अपेंडिजेस होती हैं, यहाँ पे ज्वाइंट्स बने होते हैं, ये जो अपेंडिजेस हैं इनमें ज्वाइंट्स होते हैं, ध्यान से देखना कॉकरोच को, ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं उनके। तो अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन जो है वो स्किन के थ्रू होती है, ये स्किन के थ्रू रेस्पायर कर लेते हैं, बट इसमें आर्थ्रोपोड में रेस्पिरेशन जो है इसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, इसकी बॉडी में ट्रैकियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं ये। देन उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप। एनिलेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप होता है, यानी कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे इसमें जो है वो सर्कुलेशन के लिए जो है, जो सर्कुलेशन करेगा इसकी बॉडी में, तो वो जो मटेरियल है, जो मटेरियल है वो क्लोज्ड टाइप है, यानी कि वेसल्स के बीच में होगा। देन इसमें जो है आर्थ्रोपोड में जो है ओपन टाइप होगा, यानी कि इसमें साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, ओपन टाइप होता है ये। हीमोसीलिस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसमें ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। सिलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है, तो इसमें ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द पोरीफेरन एंड सिलियनट्रेट। पोरीफेरन आपको मैंने बताए थे वीडियो में कि यहाँ पे जो है वो समंदर में जो है वो बहुत सारे स्पंजेस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, सिलियनट्रेट्स भी बताए थे, हाइड्रा। देन आप देखिए पोरीफेरा में देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट, इसमें कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। सिलियनट्रेट्स में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, साइनोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं सिलियनट्रेट्स में। बॉडी कैविटी इज़ अ स्पॉन्जोसील, बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील होती है, बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील होती है इसमें। देन दूसरे में बॉडी कैविटी जो है वो सिलियनट्रॉन होती है। पोरीफेरन में लार्वल फॉर्म जो है वो एम्फी ब्लास्टुला, यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेना, एम्फी ए एम पी एच वाई आएगा, ए एम एम्फी ब्लास्टुला, ब्लास्टुला की ठीक है, एम्फी की ठीक कर लेना सभी बच्चे, एम्फी ई ए एम पी एच आई एम्फी ब्लास्टुला, इसमें जो है वो लार्वल फॉर्म है। देन उसके बाद जो है वो सिलियनट्रेट है, सिलियनट्रेट में लार्वल फॉर्म जो है प्लेनुला लार्वा है। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। तो फ्रॉग्स आप सब ने देखे हैं, स्नेक्स आप सब ने देखे हैं, तो फ्रॉग्स के केस में क्या होता है कि उसकी स्किन जो है वो थिन होती है, मॉइस्ट होती है, उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंडुलर होती है, और रेस्पिरेशन करते हैं ग्लैंड्स, ये जो एम्फीबियंस हैं रेस्पिरेशन करते हैं स्किन के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद रेप्टाइल्स और स्नेक्स देखे हैं, ये प्राइमरली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, धरती के ऊपर पाए जाते हैं, ड्राई स्किन इनकी होती है, थिक होती है स्किन इनकी, ड्राई होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है स्किन इनकी जो है स्नेक्स की, ड्राई होती है और ग्लैंड्स भी नहीं होते हैं। देन उसके बाद अगला डिफरेंस है एव्स और मैमल्स का। पक्षी आपने देखे हैं, ठीक है, बर्ड्स देखे हैं बहुत सारे, एव्स में आ जाएंगे। मैमल्स देखे हैं हम, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मैमल्स में हैं। तो एव्स में क्या है, दीज आर वार्म ब्लडेड एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट दे हैव, यहाँ आएगा हैव आएगा यहाँ पे, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एंड दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, और इनका फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में जो है वो फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ब्रीद थ्रू लंग्स, ये लंग्स के द्वारा जो है वो सांस लेते हैं, जैसे डव है, पिजन है, ये इसका एग्जाम्पल है। देन उसके बाद ममेलिया है, ममेलिया कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, ठीक है, दे ऑल्सो ब्रीद थ्रू द लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्रीद करते हैं, जैसे इसमें जो है वेल आ जाता है, ठीक है, वेल इसमें एग्जाम्पल है, बैट की एग्जाम्पल है, बैट्स होती हैं, ये भी मैमल्स होती हैं, ठीक है। मैमल्स का करेक्टरिस्टिक है दे फीड देयर यंग वंस, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं अपने यंग वंस को। तो यहाँ तक आपके डिफरेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ तक आप सब बच्चों ने लर्न कर लेना है अच्छे से, ठीक है। एव्स मैमल्स के बीच में आपको डिफरेंस करवाया, एम्फीबियन रेप्टाइल्स के बीच में, पोरीफेरन सिलियनट्रेट्स के बीच में, एनिलिड आर्थ्रोपोड के बीच में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के बीच में, टेरिडोफाइट फेनीरोगैम्स के बीच में, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ तक जो है वो सभी बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो वो पूछ सकते हैं, और बिल्कुल हैंड राइटिंग अपना अच्छा करिए सभी बच्चे, और लिखते टाइम जो है वो सिर्फ लिखने का काम करें, ठीक है, और अच्छी तरह से लिखें।
और पढ़ाई में ध्यान दें सभी बच्चे, ये डिफरेंसेस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं।